दोस्तों बॉलीवुड में भाईजान सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट काफी लंबी है। सलमान की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई। ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ तक जितनी भी प्रेमिकाएं सलमान की जिंदगी में प्यार का पैगाम लेकर आई, मैं सभी बाद में अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को लेकर सलमान की जिंदगी से चली भी गई। कहा जाता है कि सलमान की सभी प्रेमिकाएं उनके गंदे बिहेवियर का शिकार हो चुकी थी, इसलिए एक एक कर सलमान की सभी गर्लफ्रेंड्स ने उन्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की सभी गर्लफ्रेंड्स में से सिर्फ कैटरीना कैफ ही एक ऐसी प्रेमिका रही है जिन्होंने सलमान के गंदे बिहेवियर का ज्यादा दिनों तक सामना किया। खैर, प्यार में कैटरीना ने तो सलमान के हर रवैये को सहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर की वजह से कैटरीना सलमान के हाथों खूब मार खा चुकी है। दरअसल 2008 में आई फिल्म वेलकम में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्मी पर्दे पर इस जोड़ी को देखकर कई तरह की अफवाहें भी फैली। अंदाजा तो यहां तक लगाया जा रहा था कि अक्षय और कैटरीना के बीच रियल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। इस तरह की खबरों को सुनकर सलमान काफी नाराज हुए। उन्होंने कैटरीना को अक्षय के साथ फिल्में ना करने को कहा, लेकिन लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली कैटरीना ने सलमान की बात नहीं मानी। जब कैटरीना की अगली फिल्म नमस्ते लंदन आई, तब गुस्से में आकर सलमान अपना आपा खो बैठे और कैटरीना को ढूंढते ढूंढते फिल्म सिटी पहुंच गए, जहां कैटरीना शूटिंग कर रही थी। फिल्म के सेट पर पहुंचने के बाद जब सलमान को पता चला कि कैटरीना वैनिटी वैन में मौजूद है, तो फिर क्या था, सलमान सीधे कैटरीना की वैनिटी वैन में चले गए, जिसके बाद वैन के अंदर से कैटरीना के चिल्लाने और थप्पड़ों की आवाज बाहर आने लगी। जब कुछ देर बाद आवाज शांत हुई, तब सलमान गुस्से में वैन से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। सलमान के जाने के बाद कैटरीना भी अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकली और चेहरे को दुपट्टे से ढकते हुए सेट से बाहर चली गई, ताकि लोगों को पता न चल सके कि अंदर क्या हुआ है। तो दोस्तों, सलमान की इस हरकत के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।